हेलो माय यूट्यूब फैमिली, बिहारी रेसिपी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज बनाएंगे बेसन की सब्जी, जिन्हें हम गट्टे की सब्जी भी बोलती है और राजस्थान में इन्हें अलग तरीके से बनाया जाता है। तो हम इसे बिहार में बना रहे हैं, तो इसे हम बिहारी स्टाइल में बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले हमने डेढ़ कटोरी बेसन लिया है, उसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और लहसुन का पेस्ट। उसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच सरसों का तेल। इन्हें पहले अच्छी तरीके से हाथों से मसल कर मिक्स करेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार करेंगे। ध्यान रहे, बेसन का डो बनाने के लिए ज्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं लगता है, आप बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा पानी ही डालें। ये ना समझे कि डो बनाना है तो बस आटे की डो की तरह बना सकते हैं, जी नहीं, इन्हें आप एक एक चम्मच दो दो चम्मच पानी डालकर ही बनाएं। तो इस तरीके से हमने बेसन का डो तैयार कर लिया है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब हम इसे इस तरीके से रोल करके, ये देखिए जैसा कि हम वीडियो में दिखा रहे हैं, इस तरीके से रोल करके सारे बेसन को कर लेंगे। और इसी के साथ एक भगोने में हम पानी भर के रखेंगे ताकि उसमें उबाल आना शुरू हो जाए। जैसे ही उबाल आना शुरू हो जाएंगे तब हम हमारे बेसन उसमें डाल देंगे। बहुत ही जल्दी बनेंगे और बहुत ही अनोखे तरीके से हम आपको ये रेसिपी शेयर कर रहे हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप भी ये रेसिपी झटपट बना लेंगे। ये देखिए पानी में उबाल आना शुरू हो गया है, हम सारे बेसन को एक एक करके डाल देंगे। इन्हें करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। अब दूसरी तरफ हम कुकर चढ़ाएंगे और कुकर जैसे ही गर्म हो जाएगी हम उसमें डालेंगे सरसों का तेल। जैसे ही तेल हमारी गर्म हो जाएगी हम डालेंगे साबुत जीरा, दो सूखी लाल मिर्च, एक तेज पत्ता और अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा कलर चेंज होगा, हम डालेंगे इसमें रफली चॉप प्याज। प्याज को हम अच्छी तरीके से गोल्डन होने तक ब्राउन करेंगे। इधर हम मसाला तैयार करते हैं। हमने लिए हैं दो बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, चिकन मसाला, गरम मसाला और जार में थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स करके हम मसालों को अच्छा घोल बनाएंगे। इधर हमारे प्याज भी कलर चेंज कर रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। प्रेशर कुकर बंद करेंगे, हाई फ्लेम पे 3 सीटी लगाएंगे कि तब तक कि हमारा बेसन भी रेडी हो चुका है। अब हम इसे छन्नी में छान लेंगे और दूसरे बर्तन में ठंडा होने के लिए रखेंगे। हमारे बेसन जैसे ही ठंडा हो जाएगा हम इसे छोटा छोटा कट लगाएंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से। और कढ़ाई को अच्छी तरीके से गर्म करेंगे, उसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगी हम डालेंगे हमारे कटे हुए बेसन, इन्हें हम हाई फ्लेम पे ही अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे तक कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए, ये देखिए कुछ इस तरीके से। दूसरी तरफ हमने देखा है 3 सीटी हो चुकी है, प्रेशर कुकर का प्रेशर निकल चुका है। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम मसाले को बनाएंगे। तो ये देखिए प्याज बिल्कुल ही सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें मसाला डालेंगे, इन्हें भूनेंगे तो हमारा प्याज पूरी तरीके से गल जाएगा। तो अब हम डालेंगे इसमें सारे मसाले जो हमने तैयार करके रखे थे और इन्हें भी करेंगे अच्छे से मिक्स थोड़ा सा पानी डालकर, और इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पे इन्हें 8 से 9 मिनट तक पकाएंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से ये भून जाएंगे। मसालों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम डालेंगे हमारे फ्राई किए हुए बेसन, इन्हें भी अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स और 1 से 1.5 मिनट के लिए इन्हें भी लो टू मीडियम फ्लेम तक पकाएंगे। तो बस अब डालेंगे हम कसूरी मेथी और गरम मसाला, इनको भी करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स और थोड़ा सा पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए, ये देखिए कुछ इस तरीके से। बहुत ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे और एक उबाल आने तक इन्हें पकाएंगे। और ये हमारी बहुत ही टेस्टी और इजी तरीके से बनी है बेसन की सब्जी। लोग इसे घर पे जरूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और झटपट भी बनते हैं। तो आप भी घर पे बनाएंगे तो अपने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ कॉमेंट में जरूर शेयर करें। जल्द मिलते हैं एक नई रेसिपी एक नई वीडियो के साथ।